सामने खड़ा करके और एक बात के द्वारा राष्ट्रपति स्थानी उसके सिर पर हाथ रखते वो सिर तारक्षण से क्या करती है क्या बता भला।
आज के बाद ये सारा कार्य संपूर्ण होने के बाद एक बात का हलफ उठाना पड़ेगा। कौन सी बात का? क्या कहा सिखानी, क्या बता? तैयारी पे है
और रो पड़ता है अपने भाई, भर्तृहरि की नार की कोड़ी भर लेता है और कोड़ी भर के और रो के एक बात के द्वारा विक्रम किस तरह से क्या कहता है। और बोला रे भाई रे, Bye.
इस बिजली ने करे ठिकाना ही नहीं सपरन ने। अच्छा के दूत बना रखे है कि मारे घर क्या ने मेरी शादी का जकरा चला दिया। उन सब भगवान जिसके जागी कि तेरा ही जकरा चल रहा था, और जब मेरा जकरा चल रहा था मैंने तल एक मंदिर मर गेड़े ले लो अगना नो बात देना बने। अरे मंदिर में गेड़े लिए तो किसी ने बेरा ला कर किसी ने ना तू मारे घर आइए बरात लेके और मोड़ बांध के अरे उड़ा आइए जब मैं सखिया मैं मिलजुल के तेरे माला कर लूंगी और उड़ा तेरे शाम भी आऊंगी बार और भी पाओगा जब तेरे तो पछाए नहीं जाते पछाए लिए। अरे एक बार के द्वारा वाली लो समन से क्या फरमाइश करती है क्या क्या कहती है क्या बता रहे हैं बोली हो महारा बारो ठीक आइए ठंडी आई
आवे तो अपने कैसे सुथरे सुथरे छोड़े लिये कदरा डंगा खा लिया हो गए अरण्य तो काम को ना चल नुकसान लगी वह बात सुनी होगी ना तुने अके अब जब बचेऊ सुथरा हो बनना सुथरा हो तब बराती किसी हो पाते लगते पर रहे हो से नारे हो से ना नारे हो सारे दक जा अगला जब बंदे करार पड़ती हो ना तब बराती किसी छल छीट पड़े अंदर जाओ सारे जूता फटती है सापने के साथ नोट कर का ये उड़ा देंगे ना काम के लिए कैसे क्या फरमाश करे Thank you.
कि हमारा जो बहुत सा जमींदार होता है वो ग्रास तक कमाता है, लेकिन मंडी में जाने बाछे भाव नहीं मिले, सब कुछ लूट लूट के सवाई में रुकी चौकीदार ने क्या किया। समर्पण को एक नाचने गाने वाली को दे देता है। अब वो नाचने गाने वाली ये सोचती है कि पिछले जन्म का किया हुआ फल तो तू अब भोगन लाग रही से, और ये अमर फल खाएगी तो अमर हो जाएगी, पता नहीं कितने पाप और करने पड़ेंगे। क्यों नहीं समर्पण को राजा भरतरी को दे दिया जाए, बड़े प्रतापी दयालु राजा है, इस प्रजा का पालन पोषण करते रहेंगे, वो अमर हो जाएंगे। अरे नाम के लालच में आपको नाचने वाली ले जा कुशी अमरफल को राजा भरतरी को दे देती है, और राजा भरतरी देखते हैं समरफल को तो दिमाग चकरा जाता है, वो ये अमरफल तो तुमने रानी पिंगला को दिया था, ये इसके पास कहां से आया। अब पूछने के बाद चैन बन जाती है, वो नाचने वाली कहती है सैयस ने दिया, और सैयस कहता है कि रानी पिंगला ने ये अमरफल मेरे को दिया था।
अब जब रानी जंगला को दरबार के अंदर बुलाया गया और राजा ये कहते रहे, महारानी मैंने आपको एक कमर फोड़ दिया था, वो खा लिया या कुछ बचा हुआ? महाराज जब आप दे के गए ना उस समर्थन में, सोदा नाक को खागी उसका नहीं बक्कल भी छोड़ रहा। अरे कुछ बच रहा हो तो मन में भी दे दे, मैं भी अमर हो जाऊंगा। कि नहीं महाराज, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो राजा भरद्री उस समर्थन को निकाल के और रानी पिंगला के सामने कर देते हैं और ये कहते हैं कि ले महारानी एक और खा ले। देखते उस समय फल को रानी पिंगला के शरीर में पसीना आ जाता है, चक्कर आ जाता है, चक्कर खा कर जमीन के अंदर गिर जाती है। और राजा ये कहते रहे, ओ बेवफा औरत, तने मेरे साथ बड़ा भारी धोखा किया। अरे मैंने तेरे को सत्ता मान के एक अपने लक्ष्मण जैसे भाई को कत्ल करवा दिया और तू झूठी लकड़ी ने धोखेबाज ने मेरे साथ ये क्या किया? अरे जो पड़े पड़े तान कोने बाजे कुछ तो फूटे मुंह से बोल। और ये बताते हैं कि रानी पिंगला नीचे पड़ी हुई आंखों में आंसू और रो के राजा भरतरी के सामने एक बात के द्वारा क्या कहती है, क्या बता रहे? Oh, my God.
सब हमें आगी गांव में जे जे थानेदार साहब और दो चार सिपाही वो अपना मुकदमा निमटा के चपाड़ में उतरन लाग रहे। फिर बुढ़िया ने बेरा लग गया। बुढ़िया गई बाज के बोली जी राम राम। अग राम राम ताई के बात से अग भाई बात के से मेरा छोरा ब्याह ना करवांता। जब बोला ताई मारे दो रखिए इलाज इस बात का मारा तो दूसरा महकमा है ब्याह वाला कोई ना मारा महकमा। अग बेटा मनो ना कहती रिश्ते वाले तो तैयार बैठे हाय तब न्यू कर लो उसने डरा दो मेरे छोरे ने वो जो ब्याह करवा ले था। अगर चाह ले डराऊंगे कि जा रहा है अगर मैं शन लेकर जा रहा है सराहन खातिर अच्छा बोला चाल बता। तो दूर ते बता दिया कि वो जुआर में बाढ़ रहा मैं अरे पड़ोसी के जुआर में बाढ़ रहा छकान लाग रहा अपने। थानेदार साहब गए ओ यार हम जा इधर आ ये जुआर तेरी है अग ना जी। फिर ये मैच क्यों बाड़ी बोला जी हुए बड़ी की थी बोला जी ना फिर बाड़ेगा अग ना जी फिर नहीं बाड़ू कर दे भी गलती होगी बोला चल तो ब्याह करवा ले। लड़ गया ने बोला जी ले चल लो घरा रिश्ते वाले तैयार थे तो गेला टीका करवा दिया एक हफ्ते का ब्याह सगाई इकट्ठा ही माना कर दिया। बाबू डी अकल लगी थानेदार साहब एक हफ्ता आ रही डेरो सेवा पानी करूंगी जो कदे फिर ना फटक जा। बोला कोई ना ताई तेरा इंतजाम बांध के जाएंगे हम।
नहीं बे अपने शादी होया करे आतक नाला बंदया करे पाक है राखड़ी बंदया करे और उसने प्यार कर कर ले गया अगला घर चाह पानी देने मटकर फिर बार उठी होगी और फेरिया की तैयारी होए पक्ष है जब पटड़े पर जाकर बैठ लिए और पंडित जी ने मंत्र बोलकर बोला भाई कन्या को ले आओ इस कन्या ने लियाए और जब वह पटड़े पर बैठाई बैठा लग गया तो उसका भी पोपट है साड़ी का पल्ला हट गया और वो लखाया उसने भी उसके पाख अभी राखड़ी बंदी दिखी कौन इलाके ने बोला आगे वे तेरी भी जोर में मैश बढ़ गई थी तो भाई ये रागनी भाइयों के सामने भाई आराम से बैठे रहो किस समय की है कि जिस वक्त वो दूसरा संद्रोपी को खींचता हुआ चलता रहा हाथ जोड़ने के बाद प्रार्थना करने के बाद नहीं मानता तो रास्ते में क्या हुआ कि उसकी सास गंधारी का महल आ जाता है ये सोचते मन में कि दोस्त सुनाई नहीं करता तू इस अपनी सास गंधारी को आवाज देख देख ले कि रैया एक कुछ तरह तरस ले ले दया ले ले तो रोष में भरकर द्रौपदी अपनी सास गंधारी को आवाज लगाती है और क्या कहती है एक बात के द्वारा क्या बताया भैया बोली फेरी मेरी सासु सभा
एक कलाकार।